हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेन कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा से। आज हम लोग बीएड कार्यक्रम के तहत बीएड E03 पेपर के अंतर्गत हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका अध्ययन करेंगे। टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन, अर्थात मूल्यांकन के लिए उपकरण एवं तकनीकें। अब मूल्यांकन के लिए जो उपकरण हैं या तकनीकें हैं, तो सबसे पहले मूल्यांकन करते क्यों हैं, और जब मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन करने के लिए हमें कौन कौन से उपकरण अपनाने पड़ते हैं, या किन उपकरणों का प्रयोग करना होता है और किन तकनीकों का प्रयोग करना होता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मूल्यांकन तभी संभव है जब हम मापन करेंगे। तो मूल्यांकन का प्रथम चरण मापन होता है, जिसके अंतर्गत चूंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के व्यवहार कैसा है, उन विद्यार्थियों का व्यक्तित्व कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, उन विद्यार्थियों की रुचियां क्या हैं, इन सभी को जानने के लिए हमें विभिन्न तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो तकनीकें हैं और जो उपकरण हैं उनमें अंतर होता है। जो तकनीकें होती हैं वो अधिक विस्तृत होती हैं, जबकि जो उपकरण होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न तकनीकों के माध्यम से जब हम जानकारी या सूचना प्राप्त करते हैं या मापन करते हैं, तब हम इन उपकरणों का प्रयोग तकनीकों में करते हैं। कुछ ऐसी तकनीकें भी हैं जिनको हम तकनीकों के रूप में भी उपयोग करते हैं और उपकरणों के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसे अवलोकन एक तकनीक है, मापन की या मूल्यांकन की अवलोकन एक तकनीक है, लेकिन हम अवलोकन को एक उपकरण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तकनीक के रूप में अवलोकन एक विस्तृत शब्द है या विस्तृत जो है प्रक्रिया है, लेकिन उपकरण के रूप में अवलोकन उससे संकीर्ण होता है। आगे हम लोग पहले हम तकनीकों का अध्ययन करेंगे, फिर हम उपकरणों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से तकनीकों के अंतर्गत उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता, उनकी रुचि, उनकी अभिवृत्ति, उनके व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो अब उसे कई उसमें तकनीकी हैं, जैसे अवलोकन तकनीकी, स्व आख्या तकनीकी, परीक्षण तकनीक, समाजमिति तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक, ये तमाम तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं या मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? विद्यार्थियों के गुणों का, उनकी योग्यताओं का, उनकी क्षमताओं का, उनके व्यवहार का, उनके व्यक्तित्व का। तब देखिए, जैसे अवलोकन तकनीकी है, अवलोकन तकनीक क्या है? अवलोकन तकनीक के माध्यम से हम विद्यार्थियों के व्यवहारों को देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जिसके माध्यम से हम किसी जानकारी को प्राप्त कर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं या मूल्यांकन करते हैं कि व्यक्ति के या शिक्षार्थी के व्यवहार में कौन कौन सी खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, और कौन कौन सी कमियां हैं जिन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इन सभी का मापन और मूल्यांकन हम इन तकनीकों के माध्यम से करते हैं। अब इस अवलोकन तकनीक का मापन हम सिर्फ अवलोकन करके भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी उपकरण का प्रयोग भी अवलोकन तकनीक के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे अवलोकन में हम क्या करते हैं? दूसरों के व्यवहार को देखकर हम अवलोकन करते हैं, या हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों में क्या है, क्या नहीं है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। देखिए, अवलोकन कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम इसका विस्तृत अध्ययन उपकरण के रूप में आगे
करेंगे, यहाँ पर एक तकनीकी के रूप में करते हैं, जिसमें हम दूसरों के व्यवहार को देखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्व आख्या तकनीकी होती है। स्व आख्या तकनीक के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में हम मापन कर रहे हैं, किसका मापन, उस व्यक्ति के या उस शिक्षार्थी के गुणों का, व्यक्तित्व का या उसकी रुचि का, क्षमता का, योग्यता का, उसी व्यक्ति से हम पूछते हैं कि क्या आपके अंदर ये गुण है, क्या आप इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब जिस व्यक्ति के बारे में उसके गुणों, क्षमताओं, योग्यताओं का मापन कर रहे हैं, उसी व्यक्ति से हम पूछते हैं उसके गुणों के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, तब वो किस प्रकार की तकनीकी होती है मूल्यांकन की? स्व आख्या तकनीकी, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। इसके अलावा परीक्षण तकनीक के माध्यम से भी हम शिक्षार्थियों के या व्यक्तियों के गुणों को, उनकी आवृत्तियों की, उनकी क्षमताओं की हम मापन करते हैं। परीक्षण तकनीकी में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे हम विद्यार्थियों को से सवाल करते हैं। हम अब ये परीक्षण डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हम मापन कर रहे हैं। जैसे जब आप लोग, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो बीएड की प्रवेश परीक्षा जो आपने दी वो किस प्रकार की परीक्षा थी, वो परीक्षण किस प्रकार का था? वो अभिक्षमता परीक्षण था। क्यों? क्योंकि अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से हम वर्तमान में जो हमारे अंदर योग्यताएं क्षमताएं हैं उसके आधार पर भविष्य की योग्यताओं क्षमताओं का अनुमान लगाते हैं कि आप भविष्य में इसमें किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से हम आप शिक्षार्थियों से जानकारी लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं क्षमताएं हैं जिससे वो भविष्य में अच्छा कर सकें। इसी प्रकार उपलब्धि परीक्षण भी होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट बनते हैं, जिसमें हम विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को रखते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर स्टूडेंट देते हैं, शिक्षार्थी देते हैं, जिसके आधार पर उनकी उपलब्धि का या उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता हम लगाते हैं। तो विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से, चाहे वो अभिक्षमता परीक्षण हो, चाहे उपलब्धि परीक्षण हो, चाहे व्यक्तित्व परीक्षण हो या रुचि परीक्षण हो, इन परीक्षणों का प्रयोग, इन परीक्षणों में होता क्या, बेसिकली प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है या पद होते हैं जिसके माध्यम से हम, अगर व्यक्तित्व परीक्षण है तो व्यक्तित्व का मापन करने वाले पद उसमें होंगे या प्रश्न होंगे, यदि अभिक्षमता परीक्षण है तो अभिक्षमता को मापन करने वाले उसमें पद या परीक्षण होंगे, उपलब्धि परीक्षण है तो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है उस प्राप्त ज्ञान को कहाँ तक अपने अंदर समाहित किया है उनको मापने वाले पद या प्रश्न होंगे। इसके अलावा और कौन सी तकनीकें हैं, समाजमिति तकनीक और प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या है, जब हमें किसी समूह की गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक देखना हो, पता करना हो या ग्रुप डायनेमिक का मापन करना हो, तब हम समाजमिति परीक्षण या तकनीकी का प्रयोग करते हैं। समाजमिति तकनीकी, इसको विस्तृत रूप से समझ लीजिए कि जब हमारे कक्षा कक्ष के जो अन्य बच्चे हैं उनसे संबंध कैसे हैं, कक्षा कक्ष में बच्चों के आपस में संबंध कैसे हैं, एक बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ, दूसरों का अन्य दूसरों के साथ कैसे संबंध हो, जब इनका मापन करते हैं तब हम समाजमिति तकनीक का प्रयोग करते हैं। कहने का आशय है कि समाज में या कक्षा कक्ष में या परिवार में एक दूसरे के साथ किस प्रकार के संबंध हैं सदस्यों के, जब यह जानकारी प्राप्त करना हो, इसका मापन करना हो, तब हम समाजमिति परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्रक्षेपी तकनीकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है कि अन्य सभी तकनीकों में, चाहे वो परीक्षण तकनीकी हो, चाहे वो अवलोकन तकनीकी हो, चाहे वो स्व आख्या तकनीकी हो, इन सभी में हम
बच्चों का जो चेतन मन होता है उसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं, प्रक्षेपी तकनीकी होती हैं, चूँकि ये असंरचित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में इसमें परीक्षा जानकारी प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो शिक्षार्थी हैं या जो छात्र हैं या जो लोग हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो उनके अचेतन मन से प्राप्त करते हैं। चेतन मन में व्यक्ति कुछ भी बता सकता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर परीक्षण तकनीकी से या स्वआख्या तकनीकी, स्वआख्या का उदाहरण ले लेते हैं कि स्वआख्या तकनीकी के माध्यम से अगर ये पूछा जाए मुझसे कि आप क्या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो भले ही मैं सामाजिक कार्यों में हिस्सा ना लेता हूं लेकिन मेरा जो उत्तर होगा वो यही होगा कि हाँ मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने को सामाजिक रूप से हे दृश्य देखे जाने की आशंका होगी कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो लोग हमें सामाजिक रूप से हे दृश्य देखेंगे। इस वजह से हम वही उत्तर देंगे जो समाज की दृष्टिकोण से अच्छा हो। तब इसके कहने का मतलब सोशल डिजायरेबिलिटी जिन चीज़ों में होगी वैसे आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसके अंतर्गत जैसे रोरसा सही धब्बे परीक्षा या मसी लक्ष्य परीक्षण, इसके अलावा TAT प्रासंगिक अंतर बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसके अलावा रचना परीक्षण, पूर्ति परीक्षण, ठीक है, ये इस तरह के परीक्षण हैं जिनके माध्यम से जो असंरचित रूप में स्टिमुलस होते हैं और उन असंरचित स्टिमुलस के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं शिक्षार्थियों से। जैसे रोरसा शाही धब्बे परीक्षण में एक बुकलेट टाइप होती है, सादे पेज टाइप होता है, उसमें इंक गिराते हैं और उसमें विभिन्न आकृतियां बन के जो आती हैं शिक्षार्थियों से या छात्रों से हम पूछते हैं कि इस आकृति में आपको क्या दिख रहा है, आप इससे किसी कहानी या किसी जो है सारांश या कुछ भी आप रचना कीजिए जिस जो आपको इसमें दिखाई दे रहा हो, तो रचना करने को कहते हैं। इसके अलावा आप देखो TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में जो TAT है जिसका आविष्कार मॉर्गन एंड मूरे ने किया था, तो उसमें कुल जो भी 31 कार्ड हैं, 30 कार्ड हैं, एक चूंकि सादा कार्ड है तो उन कार्डों में विभिन्न चित्र बने होते हैं और उन कार्ड को बारी बारी से दिखाया जाता है कि इस कार्ड में क्या दिख रहा है। और फिर उसमें जो शिक्षार्थी होता है या जो व्यक्ति होता है चूंकि उसमें साफ साफ कुछ दिखाई देता नहीं है, वो असंरचित चित्र होते हैं, तो उसमें क्या है शिक्षार्थी अपनी जो उसकी सोच है, उसकी जो अभिव्यक्ति है या उसके जो विचार हैं, उसका जो दृष्टिकोण है, उसके आधार पे विद्यार्थी आंसर देता है और जिसके आधार पे हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि विद्यार्थी की ये सोच है, अगर उसे जानवर दिखाई दे रहा है या उसे प्राकृतिक चीज़ें, कुछ हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को उसमें जो है भूत प्रेत दिखाई देगा, तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चा जो है वो प्राकृतिक रूप से चीज़ों को ज़्यादा सीखता है या सोचता है या उसके दृष्टिकोण में है या वो लोक परलोक में भी विश्वास करता है। उसके आंसर देने के तरीके के आधार पर शिक्षक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किस प्रकार का व्यक्ति का व्यक्तित्व है या उसमें किस प्रकार की सोच है, तो इससे रियल जो है चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो ये थी हमारी कुछ तकनीकी मापन एवं मूल्यांकन के लिए कि जब हम किसी चीज़ का मापन या मूल्यांकन करते हैं तो किन किन तकनीकों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं मापन व मूल्यांकन के उपकरण। आप देख रहे होंगे अवलोकन तकनीकी में भी हम लोगों ने अध्ययन किया और यहाँ पर अवलोकन जो है वो उपकरण के रूप में भी अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षण तकनीकी के रूप में भी हमने अध्ययन किया और उपकरण के रूप में भी कर रहे हैं।
ठीक है। समाज मिति को तकनीकी के रूप में भी हमने अध्ययन किया और उपकरण के रूप में भी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अवलोकन एक तकनीकी भी है और उपकरण भी है। जैसे उदाहरण के लिए हम अवलोकन को एक तकनीकी के रूप में ले लिए, लेकिन जब अवलोकन कर रहे हैं हमने एक प्रश्नावली उठा ली। उस प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की एक माला है या प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसमें विभिन्न प्रश्न दिए होते हैं। तो अवलोकन करते समय हम देखें कि ये चीज़ें इस व्यक्ति में या शिक्षार्थी में हैं या नहीं है, तो हम उसको टिक करते चले जाएं, अनुसूची ले लें, टिक करते चले जाएं। तो हम अवलोकन देखकर दूसरों को, अवलोकन क्या है? दूसरों को देखना। तो जब हम दूसरों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस समय हम इन अनुसूची का भी प्रयोग कर सकते हैं कि अनुसूची में जो जो चीजें लिख रही हैं क्या वो दिखाई दे रही हैं, टिक करते चले जाएं, ठीक है। निर्धारण मापनी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं। वो क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता है कि फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता है, या वह सिंगिंग करना ज़्यादा पसंद करता है। तो निर्धारण मापनी के द्वारा हम अवलोकन जब करते हैं तो निर्धारण मापनी में जो जो चीज़ें दी हैं क्या दिखाई दे रहे हैं उस पर टिक कर लेते हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उन पर क्रॉस कर दिए। तो निर्धारण मापनी का भी प्रयोग हम अवलोकन विधि में कर रहे हैं। लेकिन जब हम अवलोकन का प्रयोग एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं तो हम अवलोकन के माध्यम से ही या देख कर ही हम आंकड़े, ये डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें एग्रेशन कितना होता है इसका अध्ययन करना है। हम अवलोकन को एक उपकरण के रूप में हमने प्रयोग कर लिया, देख लिया कि कौन सा खिलाड़ी किन परिस्थितियों में वो एग्रेशन दिखाता है। तो हम ग्राउंड में बैठ गए, ग्राउंड के बाहर, और वहाँ से सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं और किन किन परिस्थितियों में उनमें एग्रेशन आता है ये नोट करते चले गए। ये क्या है? उपकरण के रूप में भी हमने अवलोकन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर ली। परीक्षा, अब अवलोकन किस किस प्रकार से करते हैं उसका भी हम लोग देखते हैं। देखिए, अवलोकन कई प्रकार का होता है। जैसे वह अवलोकन पार्टिसिपेटेड भी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, मतलब प्रतिभागी अवलोकन हो सकता है या अप्रतिभागी, या जिसमें हम लोग प्रतिभागी नहीं हैं वैसा अवलोकन भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम जिन छात्रों से, जिन विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त करना है उनके समूह में शामिल होकर ही उनसे जानकारी प्राप्त करें, उनको ऑब्जर्व करें, तब वह प्रतिभागी अवलोकन कहलाएगा। लेकिन यदि हम छात्रों के समूह में शामिल ना हों बल्कि दूर से बैठकर उनको ऑब्जर्व करें, तब हम देखेंगे कि शिक्षार्थियों के साथ हम ना कोई खेल खेल रहे हैं, ना उनके साथ उनकी क्लास में बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक उचित दूरी बनाकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो रुचि है, उनको हम देख रहे हैं या उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि सहभागी और असहभागी अवलोकन। और किस आधार पर हम अवलोकन करते हैं? जैसे नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। जैसे अगर आप लोग शिक्षक हैं, चूँकि यहाँ से बीएड वही कर रहा है जो डीएलएड ऑलरेडी है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षण कार्य कर रहे हैं चूँकि वो ऑलरेडी डीएलएड हैं। तो मान लीजिए कोई चेकिंग करने आता है कि आप लोग किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, डेली स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं कि नहीं अपने विद्यालय में, MDM जो है मिड डे मील उसका आवंटन आप लोग सही से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो कोई अवलोकन करने आ रहा है, ऑब्जर्व करने आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि नहीं DM साहब आ रहे हैं या BSA साहब आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्व करने, अवलोकन करने, तो आप लोग क्या हो गए,
आपकी जो परिस्थिति होगी वो नियंत्रित होगी, कंट्रोल्ड होगी, कि विद्यालय में आपने साफ सफाई करवा दी, उस दिन मिड डे मील अच्छा बनवा दिया, जो मिड डे मील का टाइम होगा उसी टाइम से आप बनवा रहे हैं, इसके अलावा जो पठन पाठन की समय सारणी है उसके आधार पे आप पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें नियंत्रित परिस्थिति में हो गई, लेकिन आपको पूर्व सूचना ना हो, कहीं से कोई सूचना ना मिली हो कि कोई ऑब्जर्व हमें कर रहा है, और ऐसे कोई व्यक्ति आए जिसे आप परिचित ना हो कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, वो कहीं बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, मान लीजिए स्कूल के बाहर बैठकर और देख रहा हो, आप ना समझ पाए, ये समझ रहे हैं कि यहीं के आसपास पड़ोस के कोई व्यक्ति है बैठा है, तो वो अनियंत्रित होगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और ना ही आप किसी प्रकार से दिखावा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि रियल जो सिचुएशन है उसमें ऑब्जर्वेशन होगा, जो कि अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन होता है, और जो नियंत्रित ऑब्जर्वेशन है उसके अंतर्गत लोग बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें व्यवहार बनावटी ना होकर बल्कि रियल हो सकता है। इस प्रकार कई आधार हैं जिसके आधार पर अवलोकन कई प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम परीक्षण की बात करें कि एक परीक्षण को कैसे उपकरण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो परीक्षण क्या है, जिसमें हम किसी व्यक्ति से ऐसी बात या ऐसे प्रश्न पूछें, चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, परीक्षण के प्रकार समझ लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों की साल भर में क्या सीखा क्या पढ़ा, उसका मापन करना हो कि आपने जो बच्चों को साल भर पढ़ाया उस साल भर पढ़ाने के क्रम में बच्चों ने क्या सीखा, जब इसका मापन करना हो तो हम उपलब्धि परीक्षण बनाएंगे। तो जो सिलेबस में है, जो कि हम साल भर बच्चों को पढ़ाए हैं, उस सिलेबस से हमने प्रश्न तैयार किए और उन प्रश्नों को लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। तो अगर हम लिखित रूप में पूछ रहे हैं बच्चों से तो किस प्रकार का परीक्षण होगा, लिखित परीक्षण होगा। अगर मौखिक रूप में बच्चों से पूछ रहे हैं तो किस प्रकार का परीक्षण होगा, मौखिक परीक्षण होगा। इसी तरह से यदि हम बच्चों को साल भर में जो पढ़ाएं वो पूछ रहे हैं, मतलब उपलब्धि उनकी पूछ रहे हैं, तो उपलब्धि परीक्षण होगा। अब जो सीखा है क्या उसे कार्य रूप में कर पाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी कर पाते हैं, जब हम उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं कि रियल में जो उन्होंने थ्योरी सीखी क्या उसे प्रैक्टिकल रूप में कर पाएंगे, तब वह परफॉर्मेंस टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट कहलाते हैं। प्रायोगिक परीक्षा या परफॉर्मेंस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट, दोनों में अंतर होता है। अचीवमेंट टेस्ट लिखित रूप में होते हैं या सैद्धांतिक व्यवहार का मापन करते हैं, जबकि सैद्धांतिक उपलब्धि का मापन करते हैं, जबकि परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो क्रियात्मक, चूंकि मानव व्यवहार जो है वो तीन क्षेत्रों में बटा होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो लिखित परीक्षाओं से ज्ञानात्मक और भावात्मक जो पक्ष है उसकी जांच तो हो पाती है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष की जांच नहीं हो पाती है। क्रियात्मक पक्ष के जांच के लिए हम प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा या परफॉर्मेंस टेस्ट का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हुए, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। इसके अलावा अगर उपलब्धि का मापन करते हैं तो उपलब्धि परीक्षण, बच्चे की अक्षमता का मापन करते हैं ऐसे परीक्षण तो अक्षमता परीक्षण, बच्चों की व्यक्तित्व का मापन करते हैं जो प्रश्न, अगर ऐसे प्रश्नों को परीक्षण में रखा गया है तो वह व्यक्तित्व परीक्षण कहलाते हैं, अगर रुचियों का मापन हो रहा है विद्यार्थियों के तो रुचि परीक्षण कहलाते हैं। तो इस प्रकार मापे जा रहे गुणों के आधार पर बहुत से परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सारी चीज़ें परीक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जा रहा है
तो ऐसे परीक्षणों को व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। लेकिन अगर एक ही समय में एक से अधिक लोगों पर हम प्रशासित कर रहे हैं उस परीक्षण को, तो हम उसे सामूहिक परीक्षण कहते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो रही, आयोजित हो रही है, तो एक ही पेपर हम क्या कर रहे हैं, कितने सारे विद्यार्थियों को से सेम प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो ये सामूहिक परीक्षण है जो कि, और किस रूप में है, लिखित रूप में है। तो लिखित परीक्षण है प्लस एक व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे रहा बल्कि सारे विद्यार्थी वही जवाब दे रहे हैं, ये सामूहिक परीक्षण हुआ। चूंकि नौकरी या चयन हम उनका कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चयन प्रकार की परीक्षा है, ठीक है। या अब देखिए यहीं पर अगर यही हम मौखिक रूप से बच्चों से पूछते हैं, यानी इंटरव्यू जहां होता है, तो इंटरव्यू जो होता है साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार कैसा है, सामूहिक परीक्षण है या व्यक्तिगत परीक्षण, वो व्यक्तिगत परीक्षण है। तो जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट हैं या मौखिक परीक्षण है, वो व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो लिखित परीक्षण है वो सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और कई आधार पर विभाजन हो सकता है परीक्षण का, जैसे गति परीक्षण, सामर्थ्य परीक्षण। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें सवाल बहुत अधिक होते हैं और सरल सरल होते हैं, लेकिन समय भी क्या होता है, बहुत सीमित होता है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करने होते हैं। जब ये सिचुएशन रखी जाती है तो बच्चों की इन समस्याएं जो दी गई हैं या जो प्रश्न दिए गए हैं उनको करने की स्पीड कितनी है, जब ये पता करना होता है तब वो गति परीक्षण होते हैं। इसके अलावा जब विद्यार्थियों को कठिन प्रश्न दिए जाएं और समय की कोई समय अधिक हो बल्कि प्रश्न कम हो, तब ऐसे प्रश्न कि बच्चे क्या इस तरह के प्रश्न, कठिन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं, तो जब प्रश्नों की संख्या कम हो लेकिन कठिन सवाल देकर बच्चों से ये पता किया जाए क्या वो हल कर पाने की स्थिति में होंगे कि नहीं, तब वो सामर्थ्य टेस्ट होंगे। इसके अलावा जैसे अगर टाइप टेस्ट होता है, बच्चों को कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है, तो टाइपिंग टेस्ट जब लिया जाए तो वो किस प्रकार का परीक्षण होगा, वह स्किल टेस्ट होगा, मतलब कौशल परीक्षण होगा कि बच्चों में जो ये यह कौशल कितना है, किस लेवल का कौशल बच्चों में है, ठीक है, या ये स्किल किस लेवल का बच्चों में मौजूद है। तब जो टाइप टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, ये सब स्किल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, इन सभी का अध्ययन अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।